एक हो गई आपकी रोटेशनल और दूसरी हो गई फिक्स्ड। रोटेशनल बास्केटिंग में जो मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए आपने सपोज दैट एक फर्ज अमाउंट कर लीजिए 3 लाख रुपए, तो फिक्स्ड बास्केट में आप क्या करेंगे, फिक्स्ड बास्केट में फिक्स टारगेट और फिक्स स्टॉप लॉस होता है, 10% का टारगेट और 20% का स्टॉप लॉस, जो भी आपने फिक्स किया हो उस नियम पर, है ना, जो पहले आ जाए आप उसको वो इनिशिएट करोगे, वो ट्रेड, वो काम उस पर आप करोगे। दूसरी चीज होती है आपका फिक्स बता दिया, रोटेशनल। रोटेशनल में क्या है, सेम रूल लगेगा बट वो रोटेशनल होगा। रोटेशनल क्या होगा, जिस स्पेसिफिक स्टॉक में पहले 10% का स्टॉप लॉस लग गया या 20% का टारगेट लग गया, उसको आप क्लोज करोगे और उसकी जगह पे नया इंट्रोड्यूस करोगे। तो नया इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आपको स्टॉक चाहिए होंगे, तो नया स्टॉक कैसे आप इंट्रोड्यूस करोगे, नया स्टॉक इंट्रोड्यूस करने के जो भी है, अभी मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 10% का स्टॉप लॉस 20% का टारगेट जो भी पहले लग जाए उसको आप एग्जीक्यूट करते हुए चलोगे अपने अकाउंट में। एट द एंड ऑफ मंथ देखोगे, अगर आप इस होलसम प्रोसेस को पूरे महीने अगर आप लेकर चलते हो तो एट द एंड ऑफ मंथ आप अच्छे खासे प्रॉफिट में निकलोगे। आप आज जाके टेलीग्राम चैनल पे देखो, मैंने एक भेजा है बास्केटिंग का, एक स्नैपशॉट भेजा, उसमें एक बंदे ने, गौतम जी हैं, उन्होंने नियर अबाउट 1.25 लाख का प्रॉफिट निकाला है बास्केटिंग पे। तो इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा।